और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। सेक्टर 9 से एम्स रायपुर किए रेफर किए गए, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे अस्वस्थ। बिहार चुनाव प्रचार से वापस आने के बाद से अस्वस्थ थे। दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। सेक्टर 9 से एम्स रायपुर के लिए रेफर, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे अस्वस्थ। बिहार चुनाव प्रचार से वापस आने के बाद से थे अस्वस्थ। दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। सेक्टर 9 से एम्स रायपुर के लिए रेफर, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे अस्वस्थ। बिहार चुनाव प्रचार से वापस आने के बाद से अस्वस्थ थे। दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। सेक्टर 9 से एम्स रायपुर के लिए रेफर, पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे अस्वस्थ। बिहार चुनाव प्रचार से वापस आने के बाद से थे अस्वस्थ। दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दुर्ग से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बिहार चुनाव से वापस आने के बाद से ही सांसद अस्वस्थ चल रहे थे, फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों से लगातार वो सघन दौरे पे थे, जैसा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी बीते दिनों मराही जो चुनाव हुआ था उसके बाद तत्काल बिहार चुनाव के लिए वो बिहार रवाना हुए थे, और लगातार जनसंपर्क होने की वजह से उनकी तबियत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो सेक्टर 9 में उनका इलाज चल रहा था। सेक्टर 9 जो हरलाल अस्पताल है उसका इलाज चल रहा था, और बीते कल वहां से उनको रिफर किया गया। और जैसा की उन्होंने स्वयं ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि मैं आपको किस कामनाओं से मैं अभी तक अभी ठीक हूँ मैं, इस तरीके का उनको उन्होंने जानकारी दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए रवि। तो आपको बताते चले, दुर्ग सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ी है, सेक्टर 9 से एम्स रायपुर के लिए रेफर। बिहार चुनाव प्रचार से वापस आने के बाद से थे अस्वस्थ। कोरबा से बड़ी